अजामिल भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, भगवान के भजन में डूबा रहता था, भगवान के नाम स्मरण में डूबा रहता था। समय निकल गया अजामिल का, और समय निकलने के बाद में हमारे पुण्य और पाप हमारे साथ में चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो आपके पुण्य है, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कह रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा, हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया, उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था, घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा, वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था, और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था, इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गए, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से, आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा मिलेगा, वो उसी रास्ते पर चले गए जहां वकील ने हाथ करा था। पूछते पूछते वहां तक गया, आगे एक कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया, कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया, कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई, आरती होने के बाद वह प्रणाम कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था, उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान कर प्रणाम कर कहा, पिताजी आप यहाँ, बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तू मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो, चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पाप ही पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा-तड़ा बोलता था, तो उसको नरक के लिए भेज दिया जाए, इसने कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य एक न एक पुण्य जरूर करता है, इसने कौन सा पुण्य करा वो छाटो। चित्रगुप्त महाराज बोले, इसने कोई पुण्य करा ही नहीं, कोई पुण्य नहीं करा इसने, पुण्य नहीं करा नहीं। धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी, तब धर्मराज ने कहा, इसने एक पुण्य करा है, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसके वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, पुण्य मुण्य नहीं करा उसने तो, गांव के व्यक्ति को भगाया था, भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिवपुराण की ओर ही करा था ना, तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिवपुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया। अब पुण्य देखिए कितना, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा है, हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चल रहा है। आप अच्छा करेंगे अच्छी जगह पहुंचेंगे, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है, हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहा है, हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए,
हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता है, पर एक गलती अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने, भगवान की विरल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई। परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला है। होता है, एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे, और अगर कहीं की अच्छी जोरदार ऐ सुनो पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे वहाँ जाना है, और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग जीवन। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां है ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं जरा, सही है कि गलत है? कई कई तो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से?
लोटा, सारी समस्या का हल एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। पल्लू वल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंच कर भी मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ। इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली। अब कौन भिड़े सो, कई कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो। सुनो, शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी। उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा तुरंत भयंकर। तो तुमसे कई थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके कई थी। हमारा निवेदन आप सब से, हमारा जीजा जैसी भी लाया, तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई, तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया। और गलत संगति की ओर गया, वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन शंकर जी का जल पूजन नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ने लगा, कोई पाप कर्म होने लगा, गलत पैसा आने लगा, कोई गलत काम में धन लगने लगा, समझ लेना कि गलत धन आ रहा है तो पाप बढ़ रहा है, तो भजन छूट गया, मंदिर जाना छूट गया, शंकर जी को जल चढ़ाना छूट गया, भगवान का कीर्तन करना छूट गया, भगवत स्मरण करना छूट गया। समझ लो, हमारा पाप बढ़ा तो भजन छूटा है, शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है, और घर में पाप बढ़ता है तो भजन छूटता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा, क्या ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कहेंगे क्या है, पागल हो गई हो, जहां देखो वही कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है उसे कोई नहीं टोक रहा। पर
अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान की विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुँचा दो? रावण को कोई नहीं। इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर, लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेके राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सब ने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मार कर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो, और सरल भाषा में समझो, आपके बच्चे को स्कूल भेजो, आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा, और घूमना गाड़ी फुरफुर कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे, और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का तो हम उसको धारण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम उसको धारण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी मैं दर्शन आप अपने मन में जब पवित्र भाव उत्पन्न कर लेते हैं, भगवान मिल परमात्मा प्राप्त अजामिल के घर में चौथा बेटा होने वाला है, चौथा बच्चा। पूर्व का पुण्य कैसे प्रबल हुआ, पूर्व का पुण्य कैसे जागृत हुआ, कुछ संत गांव में आ गए। उन्होंने पूछा यहां कोई ब्राह्मण का घर है? किसी ने पूछा क्यों? भूख लगी है, भोजन करना। गांव के लोगों ने हंसकर कहा एक ही ब्राह्मण का घर है अजामिल का, पर उसने वेश्या से शादी कर ली है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके यहाँ भोजन करो ना करो। संतों ने कहा उसने वेश्या से शादी कर ली, शादी करने के बाद वो ब्राह्मणी तो हो गई ना, ब्राह्मणी हो गई मतलब अब हम उसके घर में भोजन कर सकते, उसमें कोई गलत नहीं। संत चले, संत चले, और जैसे ही संत गए अजामिल का दरवाजा बजाया, अजामिल बाहर आया। कौन? संधु संत। कहाँ जा रहे हो?
काशी तक जाना है। काशी? हाँ। क्या चाहते हो? भोजन करना है। आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी वेश्या है? संतों ने कहा तुम्हारी पत्नी वेश्या थी, पर अब विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। विवाह कर कर वो ब्राह्मणी बन गई। हम आपके यहां भोजन कर सकते हैं, ठीक है, मैं भोजन तो करा दूंगा, पर मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं आपको दक्षिणा दूंगा। मेरे पास दक्षिणा देने का पैसा वैसा नहीं है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, जितने श्रोता भारत की भूमि पर इस कथा को सुन रहे हैं, जितने लोग शिवमहापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन इस शिवमहापुराण के माध्यम से हम पहले भी करें, आज फिर करते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा कराओ, जब शिव तुमको दे तब कराओ, या अपना कुछ हो अपने पास में तो करा। कर्जा लेकर उठाकर धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है तेरा तुझको। उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर कितना सुंदर शिवपुराण में कहा। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, एक रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांग कर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जी जी देना मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना मैं बाद में, एक रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने, किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारका नाथ, बद्री नाथ, केदारनाथ, सोमनाथ। तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं, अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग, तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल, मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता, क्या तुझे नहीं दे सकता, तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना, भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तुम मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो
शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर किडनी कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, जहां सुन रहे हो, भगवान से प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा शरीर अच्छा करना, मैं भी एक दिन कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन सकूं, ऐसा मेरा शरीर बना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए, ना, शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसों को देखा है कि महाराज अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको, कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी, स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भर कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है। अजामिल के दरवाजे पर संत पहुंच गए। संतों ने कहा, हम तुम्हारे यहां भोजन कर सकते हैं, पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता, भेंट नहीं दे सकता। संतों ने कहा हमको दक्षिणा चाहिए, अभी आप मत जाओ, हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, रखो आप, बस हमें भोजन करा दो। संतों ने जैसे कहा कि केवल भोजन करोगे, दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना, नहीं, ठीक है लो। संतों ने भोजन कर लिया, जैसे ही संत खड़े हुए, खड़े होते से उन्होंने कह दिया, दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, बाबा हमने पहले ही बोला था कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते, हमारे पास में इतनी भेंट नहीं, इतना पैसा नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके, हमारे पास में इतना धन नहीं है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम आपको दक्षिणा दे सके। पर बिना दक्षिणा के तो हम जाएंगे नहीं। अजामिल ने कहा, आपने तो कहा था कि हम दक्षिणा नहीं लेंगे, फिर दक्षिणा क्यों ले रहे हो? संत कहते हैं हमें तुमसे धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। कौन सी दक्षिणा चाहिए? आपका जो बेटा गर्भ में है, बच्चा, इस बच्चे का नाम आप केवल नारायण रख देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, इससे बड़ी कोई दक्षिणा नहीं हो सकती, बस ये दक्षिणा आप हमको दे दो। इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है,
नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फल फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया।